रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीब रहमान शामी साहब। आज बुनियादी मौजू तो क्रिकेट की बहाली है। इंटरनेशनल वर्ल्ड 11 पाकिस्तान में आई है, लाहौर में पहला मैच जारी है पाकिस्तान को इंटरनेशनल 11 का, उस पर बात होगी। शामी साहब, जो इमरान खान साहब की नाअहली का केस है, हनीफ भाई की दरख्वास्त जो पड़ी है उसकी आज समाअत थी, बड़े अहम रिमार्क्स और सवाल पूछे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने, और साथ में हम बात करेंगे कुछ नसार के हालिया इंटरव्यूज़ की। लेकिन अभी चूंकि क्रिकेट की बात करनी है, मैच जारी है, 2-3 ओवर हो चुके हैं, अब्दुल कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मारूफ साबिक क्रिकेटर तो, और गूगली के पहले उस्ताद। देखिए, पूरे लाहौर में तो लोग बहुत खुश हैं जी हाँ, लेकिन जो स्टेडियम के इर्द गिर्द रहने वाले हैं ना, उनमें से बहुत लोग परेशान हैं। जी हाँ, सड़कें जो बंद हैं। और एक जुबैर सदीकी साहब तो मुझे फोन करके कह रहे थे कि मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। अल्लाह, यानी पैदल जो है हाँ। सड़क पार करने की इजाजत नहीं है हाँ। तो पुलिस को कम से कम ये देखना चाहिए, इतना अकोमोडेट करना कि जो लोग वहां के रहने वाले हैं उनके लिए पैदल जाने की इजाजत हो, उनके शनाख्ती कार्ड चेक कर लें, उनको कहें वो अपने पास रखें, लेकिन उनको जाने दें। कारोबार तो सारा बंद है, गुलबर्ग के इलाके का, MM आलम रोड तक कसरात पहुंचे हैं, लोग ठंडे पेटों तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, लेकिन चलिए मैं कुछ और डिटेल्स भी इस पे शेयर करूंगा आपसे। लेकिन कादिर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, मैं चाहता हूँ उनसे बात कर लें, उन्होंने जाना भी आगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अब्दुल कादिर साहब, आपको बड़ा अदब से सलाम बोल दीजिएगा मेरा। जी सुन रहे हैं, सलाम जनाब, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज जो गूंज रही है माशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। अब्दुल कादिर साहब, आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको आज? मैं समझता हूं कि जिस चीज के अंदर ज्यादा लोग जो हैं उनकी राय हो कि ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए। मेरा मौकफ तो वही पुराना है, मैं तो उसी पे स्टैंड करता हूं कि जब तक मुल्क के अंदर अमन और क्या कहते हैं यहाँ पे सलामती और कि हर बंदा महफूज हो, ये वो तो होना चाहिए और फिर सारे शहरों में होना चाहिए। लेकिन मैं आई एम वेरी प्लीज, क्योंकि सारी कौम चाहती है और लाहौर खासतौर के ऊपर बहुत खुश है, तो मेरे ख्याल में इस तरह की खुशी के अंदर सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है, नजम सेठी साहब को मैं बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अपनी एक पर्सनल बहुत बड़ा रिस्क, लेकिन इस जितना रिस्क होता है उतना बड़ा प्रॉफिट भी होता है, तो नजम सेठी साहब ने पहले जो टीम बुलाई, फिर उसके बाद PSL करवाया, और तो ये एक बहुत जबरदस्त काम है। मैं समझता हूँ सबको प्रेस करना चाहिए। काज़ साहब, ये फरमाइएगा, जैसे आपने कहा सबको इसमें शामिल होना चाहिए, तो सब खिलाड़ियों को, मायानाज खिलाड़ियों को दावतनामे भेजे गए, खान साहब जो लंदन में मालूम हो गया कि उनकी मसरूफियत है वहां पर, वो नहीं आ सके इमरान खान साहब, लेकिन जावेद मियांदाद साहब के बारे में भी इतला है कि वो भी नहीं आ रहे, उन्होंने रिफ्यूज शायद कर दी है, ये कोई अच्छी मुजाहरा तो नहीं ऐसे मौके पर जब कितना बड़ा इवेंट हो रहा है मुल्क में, इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है और आपके क्रिकेट के जो सितारे हैं या इस्तारे हैं वही मौजूद नहीं वहां पर? नहीं, मैं मुझे नहीं पता कि किसी, मेरा ख्याल है कि सबको ही भेजे होंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली मतलब यह है कि क्रिकेट बोर्ड से दो पासेस बिल्कुल आए, मुझे मिले, इसका मतलब है कि फिर बाकी क्रिकेटर्स को भी दिए। नहीं, वो मैं तस्दीक करके बता रहा हूँ आपको, मिले हैं जावेद साहब, सबको मिले हैं बिल्कुल, तस्दीक सब। सवाल ये है कि ये फर्ज तो नहीं है ना कि आप जिसको भी पास मिले वो हर कीमत पर आएगा यहाँ? नहीं, मैं ये नुकता मैं इसलिए उठा रहा हूँ शामिल साहब, नहीं आप देखिए खुशी का मौका है, आए ना आए मर्जी बिल्कुल है, मैं उस पर एतराज नहीं कर रहा किसी की मर्जी के ऊपर, हक है सबका, लेकिन एक मुल्क में क्रिकेट के जो इस्तारे हैं, क्रिकेट किन से जाने जाते हैं, आपको ये हक हासिल नहीं है। इमरान खान साहब क्रिकेट की मिसाल हैं, जावेद मियांदाद साहब पाकिस्तान क्रिकेट की मिसाल हैं, मिसबाउल शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, ये सब वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान लोग जानते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना, अगर कोई नहीं आ पा रहा, किसी की अपनी कोई मसरूफियत है? नहीं, मसरूफियत नहीं, नहीं आप, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, नहीं आप असल में कोई नाराजी है, आप कोई PCB से कोई मामला गड़बड़ है, वो नाराजी होती रहती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर बसाद एहतराम कि ऐसे मौकों पर अपने इख्तलाफात को साइड पे रख कर हमें इस एक इंटरनेशनल और नेशनल मामले पे अपनी शमूलियत देनी चाहिए थी। ये बहस बिल्कुल बेवक्त है, बेवक्त की रागनी है, मामला तो हमें किसी शख्स का मालूम नहीं है वो किस वजह से नहीं आ रहा, हम अमूमी तौर पर तबर्रा नहीं कर सकते। नहीं, अमूमी तबर्रा तो नहीं था ये, बस मैंने मिसाल देके बात की। अब ये तो जावेद मियांदाद साहब से आप बात करते हो, टीवी पर बैठे हुए हैं, एक टीवी पर कादिर साहब कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रोग्राम करना और टीवी का, इसलिए ना आए। अब अब्दुल कादिर साहब तो कर रहे हैं जी। कादिर साहब जी, देखे बात, देखो शामी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखे क्रिकेट बोर्ड अगर ना भेजता ना तो फिर ये बात जो थी ये बुरी थी कि यार उन्होंने अपने लेजेंड क्रिकेटर्स को ना याद नहीं रखा। अब उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, अब अगर कोई जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं जाता है तो उसकी बड़े रीजन हो सकते हैं, तो इस बात को शायद इतना मेरा ख्याल नहीं सीरियस लेना चाहिए। इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि ये मैचेस जो है ये खैर खरीद के साथ हो जाए,
क्योंकि ये जो टीम आई है ये वो टीम भी नहीं है जिसको आप ये कह दें कि ये कमजोर टीम है, ये वो, ये इतनी जबरदस्त टीम है कि ये पाकिस्तान को जीत सकती है। और आज का भी फैसला उनका बड़ा जबरदस्त है, उन्होंने टॉस जीत के तो उन्होंने पाकिस्तान को इन कर दिया है, और क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त तो बॉल ग्रिप होगा और अब ऑफ नहीं पड़ेगी, लेकिन जब लेटर ऑन पाकिस्तान बॉलिंग करेगा तो ऑफ पड़ेगी, ग्रिप नहीं होगा, बॉल फील्डिंग करना मुश्किल होगा, ये वो, तो मैं समझता हूँ। और उनमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, यानी कि उनकी बड़ी बैलेंस टीम है। पाकिस्तान जो है उसको बड़ा सीरियसली खेलना पड़ेगा, और ये फिर मैच जो है ये T20 इंटरनेशनल, यानी कि ICC के ने इसको अप्रूवल दिया है कि ये इंटरनेशनल T20 मैचेस है, तो इसलिए भी इसको सीरियसली खेलना चाहिए, इस पर ज्यादा हमें कॉन्सेंट्रेट करना। अच्छा, ये बताएं गाइस साहब कि इस कामयाब, अगर अल्लाह करे कामयाबी से ये दौरा मुकम्मल हो जाता है, तीनों मैचेस हो जाते हैं, तो उसके बाद बैन अलावा दीगर टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आने को तैयारी पकड़ेंगी, उनको एक प्रवोक होंगी कि आएं? मैं स्टिल अपना जो मेरा मौकफ है वो वही है कि मैं चाहता हूं कि जब तक हमारे में यहां पे अमन जो सबसे बड़ी बात है, और दूसरी ये है कि जब हम बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, हम इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से सारे शहरों में मैचेस करवा सकते हैं, सबको आना चाहिए। लेकिन ये बेस एक बहुत जबरदस्त बन रही है ना, कि देखे आपने अपना पहले जिम्बाब्वे को बुलाया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि वो PSL करवा दिया, अब ये आ गया, तो इसके बाद अगर श्रीलंका आ जाती तो आपकी बेस एक इंटरनेशनली जो है वो बनी हुई होगी, जब इंशाल्लाह जैसे हालात अच्छे होते हैं तो पूरे मुल्क में। और अब ये है कि कराची को नहीं भूलना चाहिए, देखिए वो कहते हैं कि आइंदा कदम कोशिश करेंगे कराची में रखा जाए, लेकिन जो जो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ये मामला जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, हमें दुआ करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब, आपने वक्त दिया और अपनी राय का इजहार किया। देखिए पहले एक बात सुनिए, अब पासेस तो इनविटेशन तो मुझे भी आया है, अब यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ बैठा हुआ, हमने तो कहा था बताया ना जा सके, गुजारिश की, अगर ना जा सके ये हमारी तो रीजन है ना, कोई नहीं, प्रोफेशनल रीजन है, हर एक की अपनी रीजन होती है। हमें ये जरा इतनी ऐप जो की जो आदत है ना उसको जरा कम करना चाहिए, या टेलीफोन करके मालूम करें उसको कि भाई। चलिए मिसाल देता हूँ, हाँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उसे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन एक दूसरी आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की सहाफत के जितने दरखशंदा सितारे हैं उनको अगर इकट्ठा किया जाता है और कौमी सतह पर एक इवेंट होता है और बड़े अरसे बाद होता है जिसमें किसी की पजीराई करना मकसूद है या सहाफत के ऊपर को बात करना मकसूद है और आपको दावतनामा दिया जाए, लेकिन मुंतजमीन से अगर आपकी कोई गड़बड़ हो और आप ना जाएं, पहले तो एक बात सुन, इस वजह से तो ये जो क्रिकेट के जो सितारे हैं ना, हाँ। उनका मेला नहीं है सर, नहीं ना उनकी बात सुनिए, उनकी तकरीब है ये, तो एक आपका एक इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है, एक बैन अलावामी टीम आई है और पूरे पाकिस्तान के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये कोई क्रिकेटर्स के एजाज में तकरीब नहीं हो रही, ना को उनकी ताजपोशी यहाँ होनी है, ना किसी की दस्तारबंदी होनी, वो बिल्कुल ठीक है, दोनों में फर्क महसूस होता है, एक बेहतर होता मुनासिब होता, सारे लोग जाते हैं, ओह भाई हम कैसे किसी के ऊपर ये ठोस सकते हैं, नहीं मैं कहता हूँ बेहतर होता, नहीं अब ठोस तो नहीं रहा, जो जा सकता हो उसे जाना चाहिए, बात इतराज गलत है, क्या मुझे ये बात नापसंद है कि दूसरों पर हम इस तरह उंगली उठाएं, हर एक की अपनी वजूहात होंगी, बिल्कुल जो पहुंच गए वो भी लुत्फ उठाएं और जो अपने घर पे बैठे हैं, अपने स्क्रीन पे बैठे हैं, कहीं टीवी पे तजिया बिगाड़ रहे हैं, वो अपना लुत्फ उठाते रहे, अल्लाह अल्लाह। चले ठीक है, इस टाइम को हम खत्म करते हैं, लेकिन वन लाइनर ये था कि अगर कुछ जाती रंजिश थी, कोई मामला था, फिर वही बात बालाए ताक रखते और इस मौके पर आते हैं, रंजिश कोई है, किसी ने हजार नहीं किया, या तो कोई हजार करे, होती रहती है ना, डेली खबरें छपी होती है, साबिक क्रिकेटर नाराज होते हैं, खबरें बेताज हैं, सबसे ज्यादा नाराज कौन होता है, साबिक ओलंपियन हॉकी के, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, देखिए हम ये बोर्ड से सबसे ज्यादा नाराजी होते हैं, हम जनाब हमारी खिदमत क्यों नहीं ली गई, हम लोग वो है जनाब नॉन प्रोफेशनल लोग बैठे हुए, ये वजह एतराज करने का, हम अपनी जेब में माशाल्लाह आपकी जेब में कीड़े होते हैं जो मौका पे मौका डालते रहते हैं। चलिए सर, इसके अलावा भी बड़ी अहम खबरें हैं, बनी गाला अराजी उसकी आज गूंज रही सुप्रीम कोर्ट के यहाँ, और ये दरख्वास्त थी हनीफ अब्बासी साहब की कि ये जो इनकी मनी ट्रेल है और जो नाहली केस की दरख्वास्त दी थी कि चूंकि इनके असासाजात में, इनकी अराजी में, इनके जायदाद में उसकी अकाउंट्स की डिटेल्स मौजूद नहीं है, वो कहते हैं कि जब इन्होंने अपने गोशवारे दाखिल किए उसमें जब ये उम्मीदवार बने तो अपनी जायदाद की सही तफसील नहीं दी, और जो इन्होंने फ्लैट खरीदा वो कैसे खरीदा, कैसे बेचा, बनीगाला की जमीन कैसे खरीदी, कैसे बेची, ये सारे सवालात जो है उन्होंने उठाए हैं, और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब जो हैं
उनके एसेट्स की सिक्योरिटी होती रही और बिलाखर एक अकामा दरियाफ्त हुआ। तो इस वक्त लगता यह है कि कोई अकामा जो है वो दरियाफ्त करने की कोशिश हो रही है इमरान खान साहब। ठीक है, इमरान वसीम साहब से मजीद जान लेते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने पनामा का मामला सारा समाप्त की और रिपोर्ट किया, वैसे ही वो इस केस को भी फॉलो। वैसे तो एक बुनियादी बात मैं अर्ज करूँ कि मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैंने अपना 20-25 साल पहले अपना मकान बेचा था, ना मुझे उसके खरीदार का नाम याद है, ना उसकी चेक कहाँ जमा हुआ ये याद है। जब तक कागजात मैं देखूंगा नहीं, मैं तो अपनी तफसील बयान नहीं कर सकता, और कागजात अगर चोरी हो जाए तो मैं बिल्कुल नाबीना हूँ। इसलिए अब ये जो हमारे सियासतदान हैं, अच्छा मैं नाज़रीन को याद दिला दूं, यही बात शामी साहब ने पूरे पनामा केस के दौरान भी कही और अब इमरान खान साहब वाले केस में भी ये मौका, यही हमारे सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे को इतना जिच करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी तफसील में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बकिए उधेड़ रहे हैं कि हर एक को बेईमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब की कोशिश है हर दूसरा शख्स जो है वो करप्ट साबित हो जाए। अब जवाबी हमला हो रहा है और उनके बारे में सारे सवालात उठ रहे हैं, और उनकी बेगम का अकाउंट क्या था, उनका अकाउंट क्या था, उनके दोस्त जो क्या राशिद अली खान क्या जी जी, उनके अकाउंट में पैसे क्यों आए, बराए रास्त उनको क्यों नहीं भेजे। अब तरह तरह के सवालात हैं, और फिर अगर बेनामी थी ट्रांजैक्शन, फिर तोहफे में कैसे दी, तोहफे में दी थी तो बेनामी कैसे हुई। बस एक कहानी है, आप देखिए इसमें से निकलता। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, ये फरमाइएगा जनाब कि आज भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये फरमाइएगा कि आज मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने नईम बुखारी साहब से क्या सवालात पूछे और नईम बुखारी साहब ने क्या जवाब दिया उनका? जी सबसे ज्यादा सवालात जो पूछे गए हैं वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की जानिब से पूछे गए, लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि जो पारा था आज जजेस का सवालात पूछने के हवाले से वो आज काफ़ी हाई दिखाई दिया। अगर हम माजी की 23 समातों को देखते हैं तो बहुत मोहतात अंदाज में जजेस ने इमरान खान की नाहली केस में समात की थी, लेकिन आज बज़ाहिर जो जजेस का मूड था वो काफ़ी जारहाना दिखाई दे रहा था। इसकी क्या वजह है ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन सवालात बहुत ज्यादा थे। पांच रुकनी बेंच जो है वो एक नजीर भी तो कायम कर चुका ना, अकामा के साथ सवाल अकामा और तनख्वाह जो है जो वसूली नहीं की गई उसकी बुनियाद पर भी कार्रवाई हो सकती है। और दूसरी बात, जिस तरह कतरी खाद का मामला जेरे बहस जितना रहा, यहाँ पे आज जो है ना वो राशिदी खाद का जिक्र बड़ा जेरे बहस रहा है। इसलिए जब एक मिसाल सामने कायम हो गई है तो फिर जोश खरोश में भी इजाफा हो गया, मेरा ये भी वजह हो सकती है, अहम मुमकिन है। जी इमरान वसीम, ये तो मिसाल अपने शामी साहब पहले भी कायम हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले इस समाज से पहले जब कभी भी अकरम शेख साहब पनामा केस का हवाला देते थे तो बज़ाहिर ऐसे लगता था कि जजेस जो है ना वो उस फैसले से कतरा रहे हैं, लेकिन आज तो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने खुद इस केस का हवाला दिया है और ये कहा है कि शामी साहब की बात दुरुस्त हो गई ना, इमरान फिर शामी साहब का तर्जिया दुरुस्त हुआ ना, कि मतलब ये है कि इन टेक्निकल नुक्तों पर मैं ये कह रहा हूं कि जो उनका पहले मौकफ होता था या स्टांस था जजेस का, कि जैसे अकरम शेख साहब कभी कहते थे कि इन्होंने अपनी अहलिया से कर्ज लिया और इमरान खान ने उस कर्ज को जो कि बनीगाला राजी की खरीदारी के लिए लिया था अपने नॉमिनेशन पेपर में उसका जिक्र नहीं किया, तो चीफ साहब सरे दस्त कहा करते थे कि ये मियाँ बीवी के दरमियान लेन देन था, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि आया उनके दरमियान आपस में क्या बात हुई थी। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे थे वो बकायदा तौर पे ये कह रहे थे, ऑब्जर्वेशन दे रहे थे कि जो कर्ज लिया गया था पनामा केस का फैसला भी आ चुका है, तो लिहाजा वो कर्ज इमरान खान को अपने 2002 के इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर में ये जाहिर करना चाहिए था। मैं ये कह रहा था कि आज जजेस का कुछ स्टांस था वो कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई दिया, और समात का जो आगाज हुआ बकायदा तौर। इमरान आप देखिए आज तो 1997 जो है 1997 में जो इलेक्शन लड़ा था उन्होंने उसके गोशवारे भी जेरे बहस थे जी, तो आप तो बड़े बड़े क्याफा शनास हैं, तो आप बताइए कि कोई मामला नतीजे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है? मामला तो नतीजे की तरफ जारी बात है बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन जो आपने 1997 के नॉमिनेशन पेपर की बात की, दो बार इसका जिक्र हुआ है और दोनों बार चीफ साहब ने किया है। एक बार उन्होंने कहा कि
درخواست گزار کا الزام ہے کہ 1997 کے نومینیشن پیپر میں بھی عمران خان نے لندن کا فلیٹ ظاہر نہیں کیا تھا اور پاناما کا فیصلہ آ جانے کے بعد 28 جولائی کا فیصلہ آ جانے کے بعد ان الزامات کی یا اس معاملے کی جو اہمیت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ آپ جو ان کے نومینیشن پیپر ہیں 1997 کے ان کا ریکارڈ طلب کیا جائے، لیکن اس کے بعد جو چیف صاحب نے بات کی اگر آپ اس کو پیناما کیس کے ساتھ کمپیئر کریں تو چیف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 1997 کے نومینیشن پیپر کے حوالے سے آپ نے اپنی درخواست میں کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا، اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو ایف زیڈ ای کا بھی کوئی الزام جو نواز شریف کے خلاف درخواستیں تھیں آپ پٹیشن کا حصہ تو نہیں تھا، تو یہ تھوڑا سا اصل میں اب یہ جو چیف جسٹس صاحب نے میں کہہ رہا تھا کچھ سوال اور بھی پوچھے گئے تھے، نہیں سوال جیسے راشد خان صاحب کے اکاؤنٹ کی بات کی جمائمہ بی بی کی سوال یہ ہے کہ وہاں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں بھیجے، براہ راست کیوں نہیں بھیجے؟ جی یہ کیا نوعیت تھی عمران؟ یہ تو ایک جیسے پنجابی محاورے میں کہتے ہیں نا پبل پوسے میں ان کو ڈال دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو اور ان کے وکیل کو۔ عمران مختصر ذرا وہ سوال دہرا دیں تاکہ ہم بریک لینی ہے۔ جی مختصر یہ ہے کہ ججز یہی کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو اپنے مختلف جو ریٹن ریپلائی جو سپریم کورٹ میں سبمٹ کی ہیں ان میں ان کا جو موقف ہے ان میں تضاد ہے۔ اب پہلے بیان میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو بنی گالا کی اراضی خریدی تھی اس کے لیے انہوں نے جمائمہ سے قرض لیا تھا، لیکن یہ انہوں نے واضح نہیں کیا تھا کہ یہ اراضی وہ اپنی اہلیہ کے لیے خرید رہے تھے اور اس میں راشد خان کے اکاؤنٹ میں لندن سے رقم آنے کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ اور عدالت کی جانب سے یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ اگر اہلیہ سے وہ قرض لے رہے تھے تو پھر وہ رقم براہ راست عمران خان کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے تھی، راشد خان بیچ میں ایک نمائندہ راشد خان انہیں کیوں لایا گیا، جبکہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ وہ اہلیہ کے لیے خرید رہے تھے کوئی ایسا کوئی ڈکلیریشن ہونا چاہیے کہ عمران خان نے یہ جائیداد خریدی اور اسے تحفہ تن دے دیا اپنی اہلیہ کو، اس حوالے سے بھی کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے اور کبھی بنی گالا کی اراضی کا جو قبضہ ہے وہ بھی جمائمہ کو نہیں دیا گیا۔ تو بظاہر جو دستاویزات مسنگ ہیں جو موقف اپنایا گیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو تھی عمران خان نے جو بنی گالا کی اراضی خریدی تھی یہ بنامی تھی۔ ٹھیک، بہت شکریہ عمران وسیم۔ آپ دیکھیں لطیفہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ان کے جو اپنے بیانات ہیں نا ان کے حلفی بیان جو دینے کے بعد بدل نہیں سکتے، اپنا بیان بدل نہیں سکتے عدالت، جی جی، مگر اگر ہمارے کوسر صاحب ہوتے جسٹس کوسر صاحب تو جو بیانات میں تضاد پایا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر کہہ دیتے کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے، کیونکہ وہ تو وزیر اعظم کی تقریروں میں تضاد تلاش کر کے انہوں نے ان کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کے وہ اصطلاح بھی یوز کرتے انہوں نے کی نا، نہیں وہ والی اصطلاح جو فیصلے کے شروع، ہاں جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بیانات ان کا جو عدالتی بیانات ہیں ان میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ آپ جیسے نے پوچھا نعیم بخاری صاحب کو کہا جی کل تک کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں جمع، اصل میں بات یہ ہے دیکھیے میاں اور بیوی کی جو انکم ہے اگر اس کے سورسز الگ الگ ہیں تو دو الگ آمدنیاں شمار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہا یا رسول اللہ میرا شوہر بڑا غریب ہے، اگر آپ اجازت کیا میں اس کو زکات دے سکتی ہوں؟ آپ نے کہا وہ تو سب سے زیادہ مستحق ہے تمہاری زکات کا، یعنی اس طرح تصور ہے اسلام میں میاں بیوی کی آمدن کے الگ ہونے کا۔ ٹھیک ہے، ایک بریک ناظرین یہاں لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کچھ ذکر ہوگا چوہدری نثار صاحب کے حالیہ انٹرویوز کا، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، شام سے چوہدری صاحب کی بات، چوہدری نثار صاحب کے معاملے کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، یعنی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں نے ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کی تھی دوبارہ سے، کہ نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے، ہاں اپیل نہیں ہوتی، درخواست اپیل ایک بالکل اور چیز ہے۔ اچھا درخواست، اپیل وہ ہوتی ہے کہ جس میں پورا چیلنج کرتے ہیں آپ اور پھر نئے سرے سے، اور یہاں اپیل نہیں ہو سکتی، یہاں تو وہی جج سنتے ہیں اور انہی پیرامیٹرز کے اندر اور وہی وکیل ہوتے ہیں، تو پھر ان کا جی لارجر بینچ بنایا جائے، تو لارجر بینچ، لارجر بینچ کا ان کا پانچ رکنی بینچ بنایا جائے۔ اچھا لفظ یوز ہوا تھا پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ وہی بینچ ہوگا جس نے پہلے اوریجنل تھا، تو اس میں اصل میں وجہ اس کی یہ تھی، یہ تو انہوں نے کوئی اس سے کوئی خاص فائدہ تو ان کو نہیں ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی بات یہ تھی کہ کیونکہ یہ فیصلہ سنایا گیا پاناما کیس کا تو دو وہ جج بھی بیٹھ گئے تھے جنہوں نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کی
पर इतराजात की समाप्त नहीं की थी। अब यह भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया था जो पहली बार जहूर पजीर हुआ, तो पांचों जज हजरात बैठ गए और फैसला उन्होंने सुनाया। तो ये जो नवाज शरीफ के बच्चे हैं, इनके वकील जो थे, उनको ये खदशा हुआ कि अगर तीन रुकनी बेंच समाप्त करेगा नजरसानी की दरख्वास्त, तो वो पांच रुकनी जज के फैसले जो हैं हुए उन पर नजरसानी नहीं कर सकेगा। तो ये हो सकता है कि कोई बात उनकी कबूल कर ली जाए मगर उसका भी कोई असर मुरतब ना हो सके, इसलिए एक टेक्निकल बात थी। वगरना ये जो दो जज को फायदा नहीं होता नजर आ रहा, नहीं मुझे कोई खास फायदा इससे नजर नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि ये एक फुल कोर्ट इस मुकदमे को सुनती। ये मुकदमा इतनी अपने इतना अहम है और इसमें इतना कुछ नया हुआ है कि इस पे फुल कोर्ट को सुनना चाहिए था। अब तो नहीं मार्जिन रहा नहीं, और एक जमाने में अब हो सकता है जब पांच रुकनी बेंच बैठे तो उसको दरखास्त दी जाए कि ये लार्जर बेंच जो है उसको सुने। अब वो दरखास्त फिर वो भेजते हैं चीफ जस्टिस को या नहीं, ये उनकी मर्जी होगी। असल बात ये है कि एक जमाने तक तो हर अहम मुकदमा जो है वो फुल कोर्ट सुनती थी। और ये हमारा जो नवाज शरीफ साहब की बहाली का किस्सा, फिर बेगम नुसरत भुट्टो ने जो मार्शल्ला चैलेंज किया, वो भी सारे मुकदमात जो है सुने गए। खुद जुल्फकारी भुट्टो साहब का अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट की जो पूरे तमाम जज थे उन्होंने सुना। बाद में ये बिद्दत हुई कि दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच जजों का बेंच भी सुनने लगा इतने अहम मुकदमात। अब भी ये जो हमारी तारीख पर बड़े गहरे असरात इसने डालने हैं, ये मुकदमा फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। और निकल सकती है, बिल्कुल निकलती है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये बात कही कल एक तकरीर करते हुए कि जनाब एक सुप्रीम कोर्ट के नए साल के आगाज पर के जज हजरात जो फैसला करते हैं वो कानून और आईन के मुताबिक करते हैं, किसी से कदूरत की बुनियाद पर या अनाथ की बुनियाद पर या मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं करते। ये बात तो उनकी दुरुस्त है, जजों को ऐसा ही फैसला करना चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त फैसले करने शुरू कर दिए हैं, फिर अपील उनकी कहाँ जाएगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है जो आज भी तो सामने है हमारे। खत्म हो गया ना साहिल का। हाँ, एक हक खत्म हो गया कि अपील नहीं कर सकता। और अपील कहाँ करे अगर सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बराए रास कोई बात सुनकर अपना फैसला सुना दे तो वो हतमी समझा जाए। ये बात ऐसी है जो कानून की दुनिया में कोई पसंदीदा बात नहीं है। हर कीमत पर अपील का हक हर साहिल को मिलना चाहिए। ठीक है, चलो निसार साहब की बात कर लें फिर। अब फ्रेंडिंग आपको इतना शौक है? नहीं, मैं तो उनके देखे तो कल से परसों से मेरे आपने तो मुझे मेरे दर पे हैं जिस दिन से निसार साहब का वजीफा करते चले जा रहे हैं। सर इसलिए कि देखें ना, आप कल आपने ऐलान किया कि जनाब उनसे तुम्हारी मोहब्बत थी, रहेगी और है, तो फिर जिक्र क्यों ना किया जाए आपकी। अब सुनिए जरा, चौहान साहब ने अपना जो सलीम साहब को इंटरव्यू दिया दो एपिसोड में मबनी, उनमें से कुछ दो तीन निकात ही हमने उठाए हैं। पहले जरा ये देखिए कि वो जो पनामा लीक्स में जो किरदार हो सकता है इदारों का, उस हवाले से क्या तबसरा फरमा रहे हैं, जरा देखिए। मैंने हमेशा मियां नवाज शरीफ के करीब होने के से के जरिए ये कोशिश की है कि हालात को मैनेज किया जाए। मैं समझता हूँ कि जो रास्ता चंद लोगों ने राय दी है या अपनाया है और वो अकलियत में हमारी पार्टी में, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट से माजाराई करके बिल्कुल कोई सियासी मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। फौज से तो हमारी लड़ाई नहीं है, फौज ने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया। सो बिला जवाज फौज से महाजराई करके हम अपनी पोजीशन कमजोर करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे। मैंने ये कोशिश की है, सही इनपुट है उनको दी जाए, इसकी तशहीर जरूरत से ज्यादा हो गई, तो मैं ऐसे कोई अनहोनी बात नहीं समझता। आपके सवाल के जवाब में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल, मेरा मियां नवाज शरीफ साहब के साथ गुजारा हो सकता है। इस वक्त वो पार्टी के सदर नहीं है मगर इसके बावजूद मेरा मियां नवाज शरीफ साहब के साथ गुजारा हो सकता है। मेरे ख्याल है इसमें तो किसी को शक नहीं है कि मेरा मियां शहबाज शरीफ के साथ बिल्कुल गुजारा हो सकता है। सर देखिए, बात यह है कि उनकी राय है। एक राय यह है कि बाज ऐसे अनासर ने इन सारे मामलात में कोई किरदार अदा किया है जो बदाहर नजर नहीं आते। इसका मतलब यह नहीं कि पूरी फौज खुदा ना खास्ता किसी खास मकसद पे लग गई है। कुछ अनासर हो सकते हैं। और चौधरी साहब का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दुरुस्त बात है। उनकी अपनी राय है और जो लोग एक दूसरी राय रखते हैं
उनका एक अपना तज्जिया है। उस राय में एक मिसाल हमें कुछ दो चार हफ्ते पहले मिली, अच्छा, जब बैरिस्टर शाहिद जमील साहब ने एक टीवी चैनल पर जाहिद जमील साहब ने, अच्छा, उन्होंने गुफ्तगू की थी जियो के प्रोग्राम में शाजिब खानजा साहब के खिलाफ। ये केस था एग्जिट जाली डिग्री केस का, कैसे प्रोसिक्यूशन मुकदमे में क्या हुआ, हाँ, उन्होंने खुद बयान किया। ये सुना था कि उस वक्त की जो ये कहानी उस वक्त की बयान कर रहे हैं जबकि चौधरी निसार अली खान वजीर दाखला थे, तो क्या उस मुकदमे को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया और वो भी कोई अनासर ऐसे थे तो होना तो ये चाहिए था, उस पर कार्रवाई होती, उनकी निशानदेही होती। तो सुनाए जरा। ब्रेक के बाद, अब ब्रेक आ गई, एक ब्रेक के बाद बड़ा अहम ये नुक्ते नजर है बैरिस्टर ज़ाहिद जमील साहब का जो कि प्रोसिक्यूशन में थे जाली एग्जिट डिग्री केस में। एक ब्रेक के बाद देखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, बैरिस्टर ज़ाहिद जमील साहब की जो बात हमने सुनानी थी, वो सुनाने से पहले मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट बैरिस्टर सैफुल मलूक साहब, उनका एक नुक्ता आया था जो पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे लार्जर बेंच के हवाले से। वो फरमा रहे हैं कि अगर अपील की जाए तो सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बना सकता है, अगर अपील का मामला अपील आए तो फुल कोर्ट सुन सकती है, लार्ज रिव्यू में नहीं, रिव्यू में फुल कोर्ट नहीं बनती। ये दुरुस्त बात है कि रिव्यू तो वही जज सुनते हैं जिन्होंने फैसला दिया, जिन्होंने फैसला दिया होता है। लेकिन पहले भी हम मिसाल पेश कर चुके हैं कि वो जो शिकार था तिलोर का उसी का वो वाला देते कायजी फायज इसा साहब के जो रिमार्क्स से नीचे वो बड़े, उसमें बेंच तब्दील हुआ था। और ये इस नौइयत का मामला है कि किसी न किसी तौर इसकी समाअत बहरहाल फुल कोर्ट को करनी चाहिए और इसमें कोई कानून में तब्दीली की जरूरत हो तो वो भी कर गुजरना चाहिए। साहब का बड़े परेशान है, वो कभी पांच जज, कभी तीन जज, कभी पांच जज, कभी तीन जज, ये मुहिमा क्या है? ये मुहिमा भाई, ये तुम बस कुछ भी नहीं है, एक मुहिमा है समझने का न समझाने का। अब जो निसार साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसके बाद हमने उसी के पैरेलल दूसरी राय भी ढूंढी और वो राय थी बैरिस्टर ज़ाहिद जमील साहब की। मतलब ये कि कोई नादीदा कुव्वतें ऐसी हैं, हाँ, जो हरकत में आ जाती हैं, जो मुख्तलिफ मौके पर हरकत में आती हैं और कानून उनको गिरफ्त में नहीं लाता और चौधरी साहब की वजारत दाखिला के दौरान भी वो गिरफ्त नहीं की गई। उसकी कहानी उस दौर पता ही ना हो, नहीं उनको पता कर, ये उनके दौर की कहानी है भाई। चल सुन लेते हैं, पहले देखिए बैरिस्टर ज़ाहिद जमील साहब ये जाली डिग्री केस में क्या फरमा रहे हैं। हम सब की ये कंबाइंड ओपिनियन थी कि ये केस जो है तगड़ा है, इसमें एविडेंस बेतहाशा था, मतलब ऐसा ओपन एंड शट केस है एविडेंस के मामले में कि मतलब इससे बेहतर केस बनाया नहीं जा सकता था, ये एटलीस्ट मेरी ओपिनियन है। यही सारे जो सबूतें थी सारी हमने पेश की कोर्ट्स के सामने, चाहे वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट थी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट थी, चाहे वो हाई कोर्ट थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट थी, जब तक हम प्रोसिक्यूटर्स, हम जो हमारा एक छोटा सा ग्रुप था वो इस केस को चला रहा था, और एक दफ़ा भी किसी कोर्ट के सामने एक जज जो था ना वो हिला। हम ऑब्वियसली प्राइवेट पार्टी नहीं है, कोई किसी करप्शन की बात नहीं कर सकते। मैंने अब ऑब्वियसली अपने आप को छोड़ दिया केस, दूसरे मेरे बाद चंद महीने बाद दूसरे प्रोसिक्यूटर्स उन्होंने भी छोड़ दिया केस, और जब हमने छोड़ दिया उसके बाद आपने इसका अंजाम देखा, उसके अंदर जो जनाब बेलें थीं उन पर नो ऑब्जेक्शन हुई, एसेट्स जितने थे जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि हाँ इनको आप अटैच कर सकते हैं, इनको आप फ्रीज कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, उनको फ्रीज नहीं किया गया। दो साल हो गुजर चुके हैं, बल्कि ढाई साल गुजर चुके हैं, अभी तक नहीं फ्रीज किया गया। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के तहत कोर्ट के अंदर एफबीआई ने ओरिजिनल लेटर्स भेजे थे, कोर्ट पूछती रही कि लेटर्स प्लीज पेश की जाएं, आज तक नहीं पेश हुए। उसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन अपनी जाती कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज आई वर्क इन द स्पेस ऑफ साइबर क्राइम एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। हमने ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की बेसिस पे पहला ऑर्डर पाकिस्तान का इस केस में इशू हुआ, बाहर भी अकाउंट्स फ्रीज करवाए, और उसके अलावा हमने जो इसके अंदर चहलकदमी की थी वो ये थी कि एफटीसी से पहली दफा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, वो सारा सबूत आ तो गया हमारे पास मगर ना चालान में डाला गया है ना कोर्ट में दिया गया है। इसके बाद यह सवाल उठता है कि क्यों नहीं किया गया, और 61 विटनेसेस जो हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया। अब आपने उमर हामिद की बात की, आपको शायद पता हो, दूसरों को भी पता होगा, उमर हामिद वो आदमी था जिसको कभी अरेस्ट नहीं किया गया था, उसको छोड़ दिया गया था और वो निकल गया बाहर और वो बाहर पकड़ा गया, तो ये भी एक सवाल या निशान पेश आता है कि क्यों हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि जनाब हमारे जाने के बाद और हमारे जाने से पहले
सिचुएशन क्या थी आपके सामने मैंने पेश कर दी है। मेरे घर पे क्रैकर बॉम्ब नहीं, ग्रेनेड बॉम्ब अटैक हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अंदरूनी इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी की बड़ी बातें हमने सुनी हैं, बट इंस्टीट्यूशनल विद इन, कोई बाहर से प्रेशर की बात नहीं कर रहा मैं, इंस्टीट्यूशन के विद इन जब एक प्रोसिक्यूटर बिलीव कर दे कि यहाँ कोई प्रेशर डाला जा रहा है और हमें कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसी दी जा रही हैं जो मेरे ख्याल से मैं एज अ लॉयर हो सकता है मैं ना कर सकूं या मेरे लिए मुनासिब नहीं। और मैंने ये बात कोर्ट के अंदर अपनी जो मैंने अपने आप को जो मैंने रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एज अ प्रोसिक्यूटर उसमें मैंने लिख के दी हुई है। तो पहले तो मुझसे कहा गया था कि आप ये कीजिए, मैंने नहीं किया, चंद चीज़ें थी इंस्ट्रक्शन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। और उसके बाद जब मेरी वापस मेरे ख्याल में लाया जा रहा था तो उस वक्त ये हमला हुआ है। जिस एक्सप्लेन्स के आप पर दबाव किस किस्म का था, पूछ सकता हूं किसकी तरफ से था? नहीं सर, नो कमेंट। नो कमेंट्स। देखिए अब ये जो साहब हैं बैरिस्टर साहब जमील साहब ये प्रोसिक्यूटर थे जी एग्जैक्ट के केस में जी, और दो प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उन्होंने माजरत की कि हम ये मुकदमा नहीं लेना चाहते, इन पे ये प्रेशर हुआ और वो रिलीफ उसको मिली। और ये कौन था, किसका प्रेशर था, ये सवाल जो है इस सवाल को छोड़ के प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। बस ये सवाल हमारे सबके सामने रहना चाहिए की बात और फिर बात और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी अगर वो मोटो इस पे लेते तो हम उनके शुक्रगुजार होते। नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।